नमस्कार प्यारे साथियों, सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और पिछली क्लास में देखिए, हमने शुरू किया था हॉप स्टेडर प्रयोग या हॉप स्टेडर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हमने देखा था कि उसने क्या क्या अपरेटस या उपकरण काम में लिए और किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया। ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन तवरक लिया, इधर से रोक दिया इसको, फिर इधर से बीम आया, रेखा छिद्र या स्लिट में से गुजर गए सीधे के सीधे, यहाँ चुंबकीय विक्षेप, इससे डायरेक्शन बदल गई, फिर यहाँ एक लक्ष्य या टारगेट, उससे आके बीम टकराता है, टकराने के बाद प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ये इधर अपने पथ से मुड़ जाता है तो ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डायग्राम को हम लिखने वाले हैं, तो लिखिए प्यारे बच्चों, डायग्राम बना लिया सबने, अब लिखिए। हॉप स्टेडर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, हॉप स्टेडर प्रयोग में लिखिए प्यारे बच्चों, थ्योरी में लिखिए, हॉप स्टेडर प्रयोग में उच्च ऊर्जा वाले या हॉप स्टेडर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिक पर प्रकीर्णन का अध्ययन किया जाता है। हॉप स्टेडर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज का नाभिक पर प्रकीर्णन का अध्ययन किया जाता है। इन हॉप स्टेडर एक्सपेरिमेंट डिटेल्ड स्टडी अबाउट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द न्यूक्लियस। नाभिक के आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रयोग में क्या होता है कि एक उच्च ऊर्जा या हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बीम आता है, 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग एनर्जी, तो 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का आता है और वो यहाँ टकराता है और उसके प्रकीर्णन का अध्ययन हम करते हैं, स्कैटरिंग का हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या पता चलता है, क्या चीज़ों के लिए एक प्रयोग किया गया और क्या चीज़ें ये बताता है। एक तो नाभिक का आवेश घनत्व, चार डेंसिटी बताएगा न्यूक्लियस की, और एक न्यूक्लियस का बताता द्रव्यमान घनत्व, या प्यारे बच्चों क्या बताएगा, मास डेंसिटी। किसके बारे में बताएगा, चार्ज डेंसिटी, और एक क्या बताएगा प्यारे बच्चों, मास डेंसिटी बताएगा। ठीक है, अब इसने क्या बताया कि वह इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो पुंज आता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कोई संरचना या आकृति नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन एक बिंदु या एक पॉइंट के समान होता है। तो लिखिए इसी लाइन में आगे लिखिएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत कण है जिसकी कोई संरचना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत कण है जिसकी कोई संरचना नहीं होती है। इस पर नाभिकीय बल भी नहीं लगता है। भाई इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के न्यूक्लियस से बाहर होता है, भली भांति जानते हैं,
इन इलेक्ट्रॉन पे नाभिकीय बल नहीं लगता है, इस पर नाभिकीय बल भी नहीं लगता है, देर इज नो न्यूक्लियर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, देन देर इज नो न्यूक्लियर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कुलोम आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कुलोम आकर्षण बल लगता है। भाई नाभिक तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नाभिक के बल तो सिर्फ नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल लगता है वो तो आकर्षण बल लगता है, और वो भी दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, तो कौन सा बल हो गया, कुलोम आकर्षण बल। बात समझ में आई? तो क्या लिखा हमने थ्योरी की लाइन में कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कुलोम आकर्षण बल लगता है जो नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है, जो नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है। भाई नाभिक में कितना प्लस चार्ज है, कैसे कैसे है, वो उसी पे तो डिपेंड करेगा ये बल या फोर्स, जो नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है। देर इज कुलोम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, देर इज कुलोम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, देर इज कुलोम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस, विच डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि, आगे लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो कि इनके प्रकीर्णन से नाभिक की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए, इनके प्रकीर्णन से नाभिक की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच वी कैन ऑप्टेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग विद न्यूक्लियस। कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आता है उसकी ऊर्जा इतनी तो होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन आता है इसमें उसकी ऊर्जा इतनी तो होनी चाहिए जिससे कि ये प्रकीर्णित हो सके और हमें इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इसके पूरी बातों को बताने के लिए होप स्टेडर ने क्या किया, ये प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किया। भाई होप स्टेडर ने क्या कहा कि कोई भी नाभिक या न्यूक्लियस है, उसका आवेश घनत्व क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, द्रव्यमान घनत्व या मास डेंसिटी क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए इस प्रकार की उसने व्यवस्था करी। अब इस व्यवस्था का क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे ये चलेगी, उसके बारे में लिखते हैं। तो अगली लाइन से लिखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को संवेग विश्लेषण के पश्चात एक प्रकीर्णक कक्ष में संवेग विश्लेषण के पश्चात एक प्रकीर्णक कक्ष में दो चुंबकीय विक्षेपकों की सहायता से प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पतली स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आपतित होते हैं। एक बार थोड़ी लिख लो पहले हिंदी में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पतली स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आपतित होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पतली स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आपतित होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन
पतली स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आपतित होते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पतली स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आपतित होते हैं। स्वर्ण नाभिकों के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करने के पश्चात स्वर्ण नाभिकों के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। स्वर्ण नाभिकों के विद्युत क्षेत्रों द्वारा प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर में प्रवेश करते हैं। जहाँ पुनः संवेग विश्लेषण किया जाता है। और स्वर्ण लक्ष्य के किसी एक्स के सापेक्ष स्पेक्ट्रोमीटर को घुमाकर पुंज की तीव्रता तथा प्रकीर्णन कोण थीटा का मापन किया जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम is entering into scattering chamber after deviation from two magnets. Where electrons are incidenting perpendicularly on a small thin golden film. Full stop. After the elastic collision,
विद आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन विद गोल्डन फिल्म, आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन विद गोल्डन फिल्म इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। There is again momentum analyzer. And after that, we find the value of intensity of electrons. After that, we find the value of intensity of electrons, scattering angle, by rotating magnetic spectrometer along different axes. देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा हमने कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्वरक लगा रहता है जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी एनर्जी होती है करीब 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी एनर्जी कितनी होती है भाई? करीब 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी होगी ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 550 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से आता है, यहाँ संवेग विश्लेषक हो जाता है इसका। इसके बाद ये इस चुंबक के विक्षेपक, यहाँ दो मैग्नेट लगे रहते हैं, दिखाऊँ तो दो तो कैसे दिखाऊँ, एक दिखा दिया मैंने ना, इनके बीच से गुजरता है तो ये अपने पथ से मुड़ जाता है और यहाँ जाके ये एक प्रकीर्णक कक्ष बना देते हैं। इस सोने की लक्ष्य का मतलब स्वर्ण पन्नी है, यहाँ लिख लो चाहे लक्ष्य लिख लो चाहे और लिख लेना, स्वर्ण पन्नी, गोल्डन फिल्म है ये आपके पास, ठीक है। इस स्वर्ण पन्नी पे आके टकराता है। यहाँ से टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में, मैंने तो चलो इधर दिखा दिया, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब बोले चेक तो करें साहब, ये इधर मान लो इधर चला गया, अब यहाँ क्या लगा रहता है? चुंबक के स्पेक्ट्रोमीटर, चाहे इधर लगा लो, इधर गया तो इधर लगा ले। यहाँ चुंबक के स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा तो चुंबक के स्पेक्ट्रोमीटर को घुमा के एडजस्ट करके एक्सिस के हिसाब से सेट करके, अब आपने तो कहाँ देखा होगा चुंबक के स्पेक्ट्रोमीटर है ना, उसको एडजस्ट करके सेट करके उसमें से रीडिंग चेक करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता इंटेंसिटी तो कितनी आई और ये एंगल इसने कितना बनाया, यहाँ एंगल कितना बनाया, ठीक है। अब ये देखा जाए तो वैसे तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन हुआ होता है, रदरफोर्ड स्केटरिंग होती है, छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, उसमें भी सोने की पन्नी पे टकराता है तो उसी तरीके से हो गया। तो इसमें भी काम में जो फॉर्मूला लेंगे वो किसका लेंगे? रदरफोर्ड स्केटरिंग का ही फॉर्मूला काम में आता है। इसमें भी जो फॉर्मूला काम में आता है वो रदरफोर्ड स्केटरिंग का ही काम में आता है। बात समझ में आई भाई सबकी? आगे लिखिए, इसमें इस प्रयोग में रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र का प्रयोग करके, इस प्रयोग में रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र का प्रयोग करके ही फर्मी ऊर्जा स्तरों की सहायता से
आवेश घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व की गणना की जाती है। आवेश घनत्व तथा द्रव्यमान घनत्व की गणना की जाती है कि वही रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र को ही काम में लेंगे। और रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र लिखना चाहो तो लिख दो, इंग्लिश में लिख लो पहले। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग। In this experiment, we use Rutherford alpha scattering. And Fermi energy levels to find charge density and mass density of the nucleus. अब बोले सर रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र क्या होता है, तो अगर आप याद करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो नीचे। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र स्केटरिंग फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, Z e square अपॉन 8 pi epsilon naught e to the whole square 1 upon sine की पावर 4 क्या होता है भी थीटा बाई टू। नीचे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नोट कर लो भी नीचे। तो ये इतनी बातें लिखनी है किसके अंदर, होप स्टेडर प्रयोग में। इतनी सारी बातें आपको लिखनी है होप स्टेडर प्रयोग में। बात आई भी सबके समझ में, कर लो बेटा नोट कर लो, फॉर्मूला भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है किसके अंदर, होप स्टेडर प्रयोग में। डायग्राम सबने भली भांति बना ही लिया था पिछली क्लास में, थ्योरी अभी हमने लिखी ली सारी की सारी, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिख लो नीचे, इस फॉर्मूले की सहायता से आगे कैलकुलेशन करके, तो पूरी कैलकुलेशन करने की मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बात सबके समझ में आ रही होगी क्या कह रहे हैं अपन। अब देखिए कुछ और बातें शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिए अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हम शुरू करेंगे। तो देखो क्या कंसेप्ट हम शुरू करेंगे, इसी यूनिट का ही पार्ट है। अब देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक आगे लिखिए। नाभिकीय बल, या हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स, यानी लगाइए नाभिकीय बल, या किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, या अभी किसकी बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक बता देता हूँ इतने टाइम में। नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही मालूम चल रहा है कि नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, नाभिक या न्यूक्लियस के बीच में ही लगता है। नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। भाई हम भली भांति जानते हैं भाई, देखो नाभिक बल की कहाँ जरूरत पड़ जाती है सर, कि नाभिक बल कहाँ लगता है वास्तव में। देखो कंसेप्ट समझना, ये हमारे पास क्या होता है भाई, नाभिक या न्यूक्लियस। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते। न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश या चार्ज है नहीं, छोड़ दिया इसको, तो प्रोटॉन पे आओ।
तो प्रोटॉन पे आते हैं तो प्रोटॉन ही प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं नाभिक या न्यूक्लियस में। अब ये प्रोटॉन किसके होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आप भली भांति जानते हैं। अब प्लस प्लस के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण या रिपल्सन लगता है। प्लस प्लस के बीच में क्या लगता है दोस्तों? प्रतिकर्षण या रिपल्सन लगता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखेंगे एक बार मैं बोल पहले समझाता हूँ मेन मेन चीज़ें, तुरंत याद हो जाएगा। अब देखो इनके बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्सन लगेगा तो ये दूर दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे तो नाभिक पे टूट जाए नाभिक। ऐसे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन प्रोटॉन हैं, जितने भी आपके पास प्रोटॉन हैं, ये सारे के सारे आपस में, ये पहले तो ऐसे थे, अब ये जोड़ लगाएंगे इधर उधर, तो ये ऐसे तो नाभिक ये आपका टूट जाएगा, नाभिक या जो न्यूक्लियस है वो विखंडित हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक बल या फोर्स लगता है जो इनको बांधे रखता है, इनके बीच में एक बल या फोर्स लगता है जो इनको बांधे रखता है, और वो बल या फोर्स कौन सा लगता है? नाभिक के बल। नहीं तो ये प्लस प्लस प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर हो जाए, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो प्लस चार्ज होता है, रिपल्सन हो जाए, तो फिर नाभिक तो टूट जाएगा ऐसे तो। तो नाभिक को एक निश्चित संरचना या अंडाकार गोलाकार जो भी संरचना मानते हैं बिंदु के साइज जैसा, तो उस संरचना में नाभिक को एक बांधे रखने के लिए कि नाभिक टूटे नहीं, उसके लिए यहाँ नाभिक के बल इतना प्रबल होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि उसके सामने ये प्रतिकर्षण बल कहीं टिक ही नहीं पाता है। और बिल्कुल पास पास रखता प्रोटोन को, लोग बोले तुम दूर जा रहे थे ना, अब बिल्कुल पास पास रहोगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या लग जाता है? नाभिक के बल या न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है। ठीक है, अब लिखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। थ्योरी लिख लो प्यारे बच्चों तुरंत। हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। वी नो दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वी नो दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अतः उनके मध्य प्रतिकर्षी विद्युत बल उपस्थित होगा, अतः उनके मध्य प्रतिकर्षी विद्युत बल उपस्थित होगा, अतः उनके मध्य प्रतिकर्षी विद्युत बल उपस्थित होगा, जो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा, जो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा, जो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा, जो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा, जो नाभिक में प्रोटॉनों को दूर दूर रखने का प्रयास करेगा। देयर इज ए रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, देयर इज रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स देयर इज रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। लेकिन नाभिक में यह पाया गया कि प्रोटॉन बहुत पास पास होते हैं। नाभिक में यह पाया गया कि प्रोटॉन बहुत 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 पास पास होते हैं। नाभिक में यह पाया गया कि प्रोटॉन बहुत पास पास होते हैं। प्रोटॉन कह दो चाहे न्यूक्लियॉन कह सकते हो, एक शब्द काम में लेते हैं पर न्यूक्लियॉन, तो उसमें दोनों की बात हो जाती है। बीच में न्यूट्रॉन भी तो रहते हैं बेचारे, प्रोटॉन प्रोटॉन कहीं न्यूट्रॉन भी होता है बीच बीच में, तो प्रोटॉन प्रोटॉन कहना ही ठीक नहीं है, अभी तो लिख दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम मेन शब्द क्या काम में लेते हैं? न्यूक्लियॉन। भाई यहाँ कहा क्या कहा हमने कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये दूर दूर रहने चाहिए, लेकिन वास्तव में जब देखा गया तो ये बहुत पास पास। बोले ऐसा क्या क्या जादू है इसमें? तो वो जादू का काम कौन करता है? नाभिक के बल या न्यूक्लियर फोर्स करता है। नाभिक के बल या कौन करता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स। But in nucleus, nucleons are very close to each other. And density of nuclear mass is too high. और नाभिक के द्रव्यमान का घनत्व भी बहुत अधिक होता है,
और नाभिक के द्रव्यमान का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। अरे भाई बहुत पास पास होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। अब बोले सर कैसे कैसे हो सकते हैं इसमें, देखो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या तो दो प्रोटॉन प्रोटॉन पास में होंगे, या कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास में हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पास में हो सकता है। भाई ऐसे ही तो हो सकते हैं, तीन ही तो ऑप्शन है इसके अंदर, या तो दो प्रोटॉन प्रोटॉन पास में हो सकते हैं, या दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास में हो सकते हैं, या दोनों के दोनों न्यूट्रॉन पास में हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक में कोई प्रबल आकर्षण बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य, इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य कोई प्रबल आकर्षण बल लगता है, कोई प्रबल आकर्षण बल लगता है। इट मीन्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस। इट मीन्स देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस ऑफ न्यूक्लियस जो इनको इतने कम आकार में बांध कर रखता है which keep closure nucleons in this very small size। यह प्रबल बल ही नाभिकीय बल कहलाता है। This strong force is known as nuclear force। ये नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन भाई नाभिक केवल किसके बीच में लग सकता है? ये नाभिक में प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। यह नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। This force between proton proton, proton neutron and neutron neutron in the nucleus। कि भाई नाभिक में या तो दो प्रोटॉन प्रोटॉन पास आ सकते हैं कई बार, या कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास में आ सकता है, या कोई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पास में आ सकते हैं। तो इसलिए यह प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। नाभिकीय बल गुरुत्वीय एवं विद्युत चुंबकीय बलों से अधिक प्रबल होते हैं। नाभिकीय बल गुरुत्वीय एवं विद्युत चुंबकीय बलों से अधिक प्रबल होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी न्यूक्लियस टूटता नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस के होने के बावजूद भी पास पास रख लेता उनको। तो इसलिए नाभिकीय बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी तुलना में प्यारे बच्चों? गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में। इसीलिए नाभिकीय बल का दूसरा नाम होता है प्रबल बल। स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से कौन जाना जाता है? नाभिकीय बल। अतः इसे प्रबल बल भी कहते हैं। अतः नाभिकीय बलों को प्रबल बल भी कहते हैं। दस न्यूक्लियर फोर्सेस आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। आगे लिखिए इसी में, नाभिकीय बलों के कारण न्यूक्लियनों के मध्य दूरी
10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि की होती है, मीटर कोटि की होती है। नाभिक के बलों के कारण न्यूक्लियनों के मध्य दूरी या नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य दूरी 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि की होती है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 ऑर्डर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर का होगा किसके बीच में दूरी, दूरी बहुत कम होती है प्यारे बच्चों। और ये दूरी का कारण कौन होता है, इस दूरी का कारण कौन होता है, इस दूरी का कारण होते हैं नाभिक के बल या न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, इस दूरी का कारण कौन होते हैं, नाभिक के बल या न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। बात आई सबके समझ में, बात समझ की सबके आई भी समझ में। अब देखो नाभिक के बलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो नाभिक के बलों के बीच सबसे बड़ी विशेषता तो क्या होती है, आकर्षण बल होते हैं। नाभिक के बल क्या करते हैं, आकर्षण रखते हैं, प्रतिकर्षण थोड़ी करते हैं, दूर दूर नहीं करते। ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में या प्रोटॉन प्रोटॉन को सबको आपस में बांध के रखते हैं इस नाभिक या न्यूक्लियस में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एक बार सुन लो फिर लिखवाऊंगा, तो नाभिक के बलों की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आकर्षण बल, कि अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ये, दूर नहीं करते, ये पास में बांधे हुए रखते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि लघु परास होता है इनका, शॉर्ट रेंज होती है। लघु परास या शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि छोटी दूरी में काम करते हैं, ऐसे नहीं कि एक न्यूक्लियन तो यहाँ है, एक इधर दूसरे अमेरिका में, एक भारत में नाभिक के बल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भी। नाभिक के बल नाभिक के अंदर ही काम करते हैं, बस इतनी दूरी में ही, नाभिक के अंदर ही बहुत ही रेंज कम होती है, लेकिन करते हैं वो काम बहुत मजबूती के साथ करते हैं, कि जो जुड़ गया वो छूट नहीं सकता और बाकी दूर है उनको जोड़ नहीं सकते ये, ठीक है। इसके बाद स्पिन पर भी निर्भरता करती है, सममित या सिमेट्रिक भी होते हैं। सममित या सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि बोले सर सममित या सिमेट्रिक कैसे हुए, सममित या सिमेट्रिक का मतलब देखो नाभिक में कहीं प्रोटॉन प्रोटॉन भी है, कहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, कहीं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी है, ऐसे ही होते नाभिक में, ऐसे ही तो होते प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन। जितना बल या फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, जितना बल या फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, उतना ही बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही नाभिक के बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने वाले, 6-7 पॉइंट लगा के थ्योरी पूरी लिख के, ऐसे नहीं अभी लिखवाने को मैं 5 लाइन में लिखा दूँ कचरे घोल बना के, लेकिन पूरी हेडिंग लगा के, हेडिंग तो लगा लो नाभिक के बलों के गुण एवं विशेषताएं, हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, नाभिक के बलों के गुण एवं विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर ऐसे 6-7 पॉइंट आकर्षण बल, फिर उसकी थ्योरी, ऐसे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखाऊंगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया थे बड़े सवाल में कि नाभिक के बल क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं बताइए। अब लोगों ने 4-4, 5-5 लाइनों में तो परिभाषा लिख ली 2 लाइन में, और 2 लाइन में गुण लिख रखे थे, आकर्षण बल होते हैं, छोटे छोटे पास पास लगते हैं, अब ले लो नंबर उसमें, 5-7 लाइनों में कहाँ से नंबर आएंगे। इसलिए पूरी क्लास लगाऊंगा अगली क्लास, और पूरी एक एक विशेषता, एक एक प्रॉपर्टी को बताऊंगा। हेडिंग लगा लो आप, नाभिक के बलों में या नाभिक के बलों के गुण एवं विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के बलों की गुण एवं विशेषताएं, हेडिंग लगा लो। अगली क्लास में पूरा इसको बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ें पढ़िए, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।